सो व्हाट्सएप फिएस्को स्टिल गोइंग ऑन और लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो व्हाट्सएप को स्टिल यूज़ करें या फिर वो स्विच करें। लेट सपोज कि आपने स्विच करने का माइंड बना लिया है तो दो ऐप्स सिग्नल और टेलीग्राम सीम्स टू बी द फर्स्ट चॉइस राइट नाउ, लेकिन ये स्विच इतना आसान भी नहीं होगा। और आज की वीडियो में मैं आपको सिग्नल और टेलीग्राम के बारे में बताऊँगा कि आपको सिग्नल या फिर टेलीग्राम ऐप को यूज़ करना चाहिए या नहीं। अगर आपकी प्रायोरिटी प्राइवेसी सिक्योरिटी इनक्रिप्शन है तो यू मस्ट यूज़ सिग्नल, इट्स डैम गुड। और व्हाट्सएप के कॉम्प्रोमाइज्ड होने के बाद वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस द बैकग्राउंड। प्राइवेसी एंड डाटा ब्रीच इज़ नॉट अ न्यू थिंग। आप सब ने एडवर्ड स्नोडन का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो वीडियो स्टॉप करके गो गूगल हिम। एडवर्ड स्नोडन ने अपनी रेवोल्यूशंस में बताया है कि हाउ पीपल्स प्राइवेसी हैज़ बीन ब्रीच्ड और गवर्नमेंट यानी अमेरिकन गवर्नमेंट किस तरह डीप पर्सनल लेवल पर जाकर लोगों को वॉच कर रही है। इन शॉर्ट उसका कहना था कि डोंट ट्रस्ट व्हाट्सएप, डोंट ट्रस्ट फेसबुक एंड डोंट ट्रस्ट एनी मैसेजिंग ऐप। यस द मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड फॉर नाउ, बट एक दिन जब पॉलिटिकल और गवर्नमेंट का प्रेशर आएगा तो ये सब अनडू हो जाएगा फीचर्स। सो कमिंग बैक टू सिग्नल, इट्स अ बेसिक ऐप और आपको मोर और लेस सारे वही फीचर्स हासिल होंगे जो कि व्हाट्सएप में हैं। लेकिन सिग्नल ऐप का मसला यह है कि इट्स नॉट डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी एंड वन डे इसको पॉलिटिकल और गवर्नमेंट प्रेशर से एक्सेस मिल सकता है। द प्रोज, सो किन लोगों को सिग्नल पर स्विच करना चाहिए? वो लोग जिनको इस बात का ख़तरा है कि वो टारगेट हो सकते हैं, लाइक एक्टिविस्ट जो कि कोई मूवमेंट चला रहे हैं, या फिर जर्नलिस्ट सहाफ़ी वगैरह, या फिर वो लोग जिनके पास छुपाने के लिए कुछ है, या फिर वो लोग जो कि ऐसी चीज़ें छुपाना चाहते हैं जिनका पुलिस को पता ना चले, देन सिग्नल इज़ अ गुड आइडिया। कॉन्स, सिग्नल ऐप हैज़ अ इमेज प्रॉब्लम एज वेल, और उसकी वजह यह है कि इसके मेन यूजर्स वो लोग हैं जिनके पास छुपाने के लिए कुछ है, सो इट बिकम्स अ ड्यूबियस ऐप। टेलीग्राम फॉर एग्जाम्पल एक कम्यूनिटी की तरह लगती है विद चैनल्स डिस्कशन ग्रुप्स, ना कि इसमें वो लोग शामिल हैं जिनके पास कोई सीक्रेट छुपाने के लिए है। तो स्विचिंग टू अ न्यू ऐप एक प्रॉब्लम बन जाती है रादर देन अ सॉल्यूशन इफ़ इट कांट टोटली रिप्लेस व्हाट आई एम करंटली यूजिंग। सो यूज़ योर ब्रेन्स बिफोर स्विचिंग। सो इफ़ इट कम्स बिटवीन सिग्नल एंड टेलीग्राम, तो टेलीग्राम हर वो चीज़ करती है जो सिग्नल ऐप करती है अदर देन एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ग्रुप चैट्स एंड वीडियो कॉल्स। टेलीग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स यूज़ करती है, टेलीग्राम एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज़ नहीं करती, रादर इट यूजेस क्लाउड चैट्स, बट स्टिल गवर्नमेंट कांट एक्सेस इट। एक मसला टेलीग्राम में एंड टू एंड इंक्रिप्शन ना होने का हो सकता है, और वो ये कि वो अपना कंटेंट किसी और को ना बेच दें, जो कि आज तक उन्होंने किया नहीं है और ना ही वो होपफुली इन फ्यूचर करेंगे। टेलीग्राम और सिग्नल दोनों नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं और इस तरह वो लोगों के साथ दे रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी एंड पॉलिसी, बट अनलाइक सिग्नल, टेलीग्राम एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है और लेजिस्लेशन को डॉज कर सकती है। तो इन द एंड सिग्नल इज़ मोर फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी वाइल टेलीग्राम इज़ मोर फोकस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। मेरी ज़ाती राय में यू कैन गेट मोर आउट ऑफ टेलीग्राम देन सिग्नल, लेकिन अगर आपने इनकॉग्निटो मोड में जाना है और अपनी आइडेंटिटी और सीक्रेट्स को छुपाना है तो गो अहेड यूज़ सिग्नल। आई होप दिस कंपेरिजन बिटवीन द टू ऐप्स सिग्नल एंड टेलीग्राम आपको जो इन्फो दोनों के बारे में अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अपना माइंड बनाने में कि आपने सिग्नल ऐप यूज़ करनी है या फिर टेलीग्राम। तो वीडियो पूरी देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इट्स मी शाहजहान बुखारी साइनिंग ऑफ।